like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिसकी तैयारी किसी ने नहीं करी, और अगर करी भी है तब भी वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो आने वाला है वो ना ही शहर, ना ही देश और ना ही प्लेनेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि उसकी नज़र पूरे यूनिवर्स पर है। तो गाइज, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली मूवी इन्फिनिटी वॉर से ठीक पहले की कहानी। ये कॉमिक रिसेंटली मार्वल ने रिलीज किया है ताकि हम व्यूअर्स एक रफ आइडिया लगा सके मूवी से पहले के इवेंट का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है सिविल वॉर में हुई टोनी और कैप्टन के फाइट के ठीक बाद से, जहां टोनी के आर्मर को डिसआर्म करने के बाद कैप्टन बकी के साथ साइबेरिया के हाइड्रा बेस से बाहर आ रहे हैं। बेस से बाहर आते हुए कैप्टन तचाला से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जीमो अब उसकी कैद में है जिसको वो यूनाइटेड नेशंस को सौंपने जा रहा है। साथ ही साथ वो बकी की मेंटल प्रोग्रामिंग में भी उसकी हेल्प कर सकता है। तब कैप्टन कहते हैं कि ठीक है, पर पहले हम अपने कुछ दोस्तों को छुड़ाने जा रहे हैं, फिर हम वकांडा आएंगे। तब कैप्टन और बकी क्विंजेट में बैठ के रॉस के हाई सिक्योरिटी प्रिजन द राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, और उसके ऊपर पहुँच के वो राफ्ट के पास छलांग लगा देते हैं। तब कैप्टन द राफ्ट में घुस के सारे प्रिजन गार्ड्स की पिटाई करना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो अपने सारे साथियों को छुड़ा के सबको अपने अपने रास्ते भेज देते हैं। हॉकाई अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है, और एंटमैन यानी स्कॉट लैंग अपनी बेटी के पास होता है। वांडा विजन के साथ होती है, जो कि नॉर्मल इंसान बन के घूम रहा है, पर हम उसके माथे पर माइंड जेम चमकता देख सकते हैं। दूसरी तरफ वकांडा में तचाला कैप्टन और बकी को समझाता है कि अगर हमें सार्जेंट बार्न्स के दिमाग से हाइड्रा प्रोग्रामिंग रिमूव करनी है तो हमें उन्हें वापस क्रायो स्लीप में भेजना होगा, जिसके लिए बकी मान जाता है। तब शूरी उन सबको बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सार्जेंट बार्न्स को इस प्रोग्राम में कोई डैमेज नहीं होगा। तब कुछ महीनों बाद शूरी तचाला को अपनी लैब में बुलाती है, जहां वो उसे समझाती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सार्जेंट बार्न्स के साथ हुई प्रोग्रामिंग लिंक्ड है कुछ ट्रिगर वर्ड्स के साथ, तो हमें उन्हें रिमूव करने के लिए सार्जेंट बार्न्स के कुछ डीप इमोशनल ट्रॉमास देखने पड़े, जो कि बहुत सारे हैं। तब हमें बकी की डीप मेमोरी की झलक मिलती है, जिसमें उसके अच्छे पल भी हैं और बुरे पल भी। तब शूरी आगे बोलती है कि मैं इन ट्रिगर वर्ड्स को हटा सकती हूँ, साथ ही साथ मैं सार्जेंट बार्न्स की ओरिजिनल मेमोरी भी रिटेन कर सकती हूँ। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो मैं उसे रीबूट कर सकती हूँ, जिसपे तचाला कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। तब शूरी आगे बोलती है कि पर इन सब के साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम हमें फ्यूचर में और भी एडवांस AI प्रोवाइड कर सकता है, जो कि उस टोनी स्टार्क के बनाए हुए अल्ट्रॉन से भी ज्यादा सिंपल होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। तब तचाला वहाँ से जाते जाते बोलता है कि चलो तब तक सार्जेंट बार्न्स शांति से सपने देख सकते हैं, और मैं इस बात की श्योरिटी करता हूँ कि कैप्टन ये सुनकर बहुत खुश होंगे, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। तब हम देखते हैं सीरिया में कुछ टेररिस्ट को, वहीं हमें एक लेडी दिखती है बुरखा में, जो कि किसी को बताती है कि हमारे फ्रेंडली टेररिस्ट शिपमेंट तुम लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। तब हम देखते हैं उन लोगों को एक चितौरी टेक के साथ, जो कि बोल रहे होते हैं कि इससे पता चलता है कि US हमारी साइड है। तभी उनमें से दो लोग आसपास के सारे टेररिस्ट की पिटाई करना शुरू करते हैं, ये बोलते हुए कि हमें बस यही सुनना था। तब उन दोनों के सबको ढेर करने के बाद वो लेडी वहाँ आती है, और तब हमें पता चलता है कि वो दो लोग कैप्टन और फैल्कन है, और वो लेडी है एजेंट रोमनॉफ। अपने मास्क उतारने के बाद कैप्टन एजेंट रोमनॉफ से कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, हालांकि हमें इन चित्तौरी कंपोनेंट्स को अनयूजेबल बनाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तब नताशा कैप्टन से पूछती है कि तुम इसमें टोनी को नहीं बुलाना चाहोगे, जिसमें कैप्टन कहते हैं कि मुझे लगता है कि टोनी अभी अपने कामों में लगा हुआ है, तो अब हमें कहां जाना चाहिए, जिसपे फैल्कन कहता है कि लेबनन। दूसरी तरफ टोनी एवेंजर्स कंपाउंड में कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं गिल्टी फील कैसे ना करूं, मैं भटक गया और उस खतरे पर ध्यान नहीं दिया जो कि आने वाला है। तब हम देखते हैं वो मोमेंट जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी एक बड़ी मुसीबत की बात कर रहा होता है। तब टोनी कैप्टन के दिए हुए फोन को देखकर आगे सोचता है
कि अगर मैंने स्टीव को कॉल किया तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे जवाब जरूर देगा, पर इतना काफी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अगर मुझे इस खतरे की तैयारी करनी है तो ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। तब हम देखते हैं टोनी को एक नया आयरन मैन सूट डिजाइन करते हुए।